हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम सभी जानते हैं कि आतिफ असलम कितने बड़े सिंगर है। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट इन एशिया। इट इज़ जस्ट अ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द आर्ट एंड आर्टिस्ट ऑफ आवर सोसाइटी। तो बॉलीवुड के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, चलिए जानते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आतिफ सर बहुत ही यू नो ही इज़ अ लेजेंडरी सिंगर, इज़ अ बिग सुपरस्टार, सबको ये बात पता है। हालांकि इज़ सच अ सिंपल ह्यूमन बीइंग एंड ही सो ईजी टू टॉक टू। जब मैं उनसे बात कर रहा था, इट डिडंट फील लाइक आई वाज़ टॉकिंग टू द आतिफ असलम, यू नो ही इज़ लाइक सच अ कूल गाय। आई थिंक आतिफ ने मेरे लिए नहीं गाया, चेन्नई एक्सप्रेस में। नहीं, आतिफ ने गाया, आतिफ ने गाया। आई टोल्ड आतिफ टू सिंग गेरू एक्चुअली, लेकिन उनके पास वक्त नहीं था शायद। आतिफ के पास वक्त। अरिजीत सिंह या आतिफ असलम? Atif Aslam. Okay, Ehsan, if you have to sing a romantic duet, who would you like to sing it with? Okay, I'll give you options as well. Atif, Arijit or Arman? I was going to say Atif and Arijit and Arman as well. I mean, I love all three. But if you have to pick one? Choose Atif. Atif. All right. This brings a smile on my face genuinely because I've been an Atif fan and he's singing after so long this lovely song called Jina Jina, which is a love song, a romantic song, and I think all of Atif's fans and general music lovers are going to be very, very excited and happy to hear the song. And wait for the video, and the song will be out quite soon. I'm the biggest fan of Atif Aslam ever. I've never said this like so openly, but constantly, you know, I listen to Atif's songs every day. So in that way, when we talk about creativity, there is absolutely no boundary. It doesn't matter where you come from. You touch hearts for the work that you do. So that's what we do, and that's how we are going to try to resolve the things and resolve the boundaries. अपने ऊपर अब जब मूवी कर रहे होते हैं तो अपने ऊपर आपके ऊपर आतिफ असलम के बहुत सारे गाने पिक्चराइज हुए हैं, कैलाश खेर के हुए हैं। अगर रणबीर कपूर से आज पाकिस्तानी व्यूअर्स ये पूछें कि अपने ऊपर सबसे अच्छी फिट किसकी आवाज़ लगती है? यू नो, अभी मेरी लास्ट रिलीज होती है अजब प्रेम की गजब कहानी, उसमें आतिफ ने दो गाने गाए थे और जो सक्सेस है अजब प्रेम की गजब कहानी, आई वुड लाइक टू शेयर इट विद आतिफ, क्योंकि जो उसकी पॉपुलैरिटी हमारे हिंदुस्तान में, यू नो, जो जो उनका म्यूजिक है, उनकी आवाज़ है, जो रीच है, आई थिंक lot of the Indian films success has to be, you know, given this, the credit has to give be given to Atif. He's a wonderful singer. I love his voice. Aur jab wo gaate hain wo pure dil se gaate hain, you know, aisa lagta hai ki ek hero ga raha hai. To agar aapko koi aisa mila nahi aaj tak koi gaane gaane ka, nahi yaar, meri auqat nahi hai. Nahi, Tiger bahut acha gaata hai, nahi itne acche acche badhiya kalakar singers hai, Arijit Singh, Atif Aslam ji, bahut sare stars hai, you know, like unka matlab I'd leave the singing to them yaar. पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात में जितना आप इंडिया में मकबूल हैं उतने आप पाकिस्तान में भी मकबूल हैं. तो सर, दोनों के कुछ आपको पता है पॉलिटिकल सियासी मामला जो भी चलते रहते हैं वो तो एक तरफ, लेकिन सर चलते रहते हैं. सर, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इजाजत नहीं मिलती इंडिया में काम करने की, शर्त से आप थोड़ा सा कुछ बात करेंगे? वो भी पॉलिटिकली होता है, और पॉइंट है न्यूज पेपर बात करने के लिए. लेकिन आपके आर्टिस्ट तो गाई रहे, हमारा एक बहुत ही बड़ा एक फेमस गाना हुआ था दिल दिया गलना, उसके बाद सेल्फी, तो वो दोनों गाने नहीं गाए तो वो तो गाई नहीं. आपके दिल के कितने करीब? ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है. इसमें दो मेरे फेवरेट सिंगर हैं, एक तो पापवन है और एक आपने आतिफ असलम को देखा. दोनों मेरे फेवरेट सिंगर हैं. पापवन को मैंने अभी मैं हर फिल्म में जाता हूँ कि पापवन आए, और ये इन्होंने मेरे लिए हिंदी मीडियम में भी गाया था आतिफ असलम ने, और बहुत खूबसूरत सॉन्ग था ये सॉन्ग. मतलब ये गाने ऐसे हैं जो आपके साथ रहते हैं और जो मतलब आप बार बार सुन सकते हैं. आपकी आवाज, ओ माय गॉड, इट्स हेवनली. देयर आर अ फ्यू वॉइसेस जो मुझे बहुत पसंद हैं, जैसे हैं अरिजीत सिंह, देन आतिफ असलम, और आई थिंक एक और सिंगर जिसकी आवाज में गानों में